हेलो, मेरा नाम है गोपाल किरणी। और अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे भी ज़िंदगी ने मेरी कभी परवाह की नहीं है। और उसी ना परवाह करते हुए मैं आज आप लोग से अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करने वाला हूँ, उन गर्लफ्रेंड्स के बारे में जो मेरी एक्स है, ठीक है। और यार, साथ में ये मत सोचना कि मैं इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ तो मैं प्ले बॉय निकला। अरे बिल्कुल भी नहीं यार, छोड़ के तो वो लोग मेरे को गई थी, मैं तो दिल से मानता था उनको, बट चलो कोई बात नहीं। और ऊपर से आप लोग जब इनके इंट्रो के बारे में सुनेंगे ना, आप लोग तो भाई इनसे प्यार कर बैठोगे, नफरत वाला प्यार, पता है, वे सच्चा वाला प्यार नहीं। पहली बार का तो भाई इंट्रो तो बहुत सबसे खतरनाक ये था कि मेरे को नहीं पता था कि ये 15,000 रुपये एक घंटे का लेती है, जो मेरे को कुछ 1.5 महीने बाद जाके पता चला था, जो सच है। और अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि 15,000 रुपये एक घंटा, क्या ये वही चीज़ तो नहीं है? राइट, ये वही काम करती थी। मेरे को 1.5 महीने बाद जाके पता चला यार, मेरे ऐसे गोटे शॉर्ट हुए ना, मेरे को लगा कि अगर साल हो जाएगा तो कहीं मेरे पे किसी और का बच्चा ना थोप दे, ये तो तुम्हार रहा है। और जैसे वो मेरे साथ रहती थी, मेरे को लगता वो तो DNA टेस्ट भी ना करवाने देती मेरे को, ये सच में मेरा ही है क्या, किसी और का है, शक्ल तो मैच करना रही। वैसे एग्जैक्टली वही सीन हुआ था। और दूसरी वाली का तो वही अलग ही था, दूसरी वाली डेटिंग ऐप पे मिली थी, वैसे मिली तो तीनों ही डेटिंग ऐप पे थी ये, पर इसका ऐसा था कि इसने एकदम ऐसे ना हॉट वॉट फोटो डाले हुए अपने पोस्ट के ऊपर, मतलब कि हाँ बंदे देख के सब बोले वाव। पर जब मैं सामने देखने गया था ना इसको मिलने के लिए, मेरे दिमाग में सच में अंदर से मेरे दिमाग ने पात दिया था, जो सिर्फ आवाज़ मेरे को सुनाई दी थी, तुम फोटोज में खुद को स्लिम दिखा रहे हो पर वहां पे तुम खुद XXL साइज का बन के घूम रहे हो, गलत नहीं है? मेरे को लिटरली पहले ऐसा लगा यार मैं कहीं गलत जगह पे नहीं आ चुका हूँ जिससे मैं मिल रहा हूँ। पर जब मैंने ऐसा हो गया ना कि आप सोचते हो कि बॉडी का अगर मैंने ये पार्ट काट दिया तो ये तो, हाँ ये तो पहली वाली बन गई यार, और इतना बड़ा धोखा। अब ये तो कह नहीं सकती है मैं डिप्रेस थी एक महीने से, एक महीने में यार तुम 60 किलो से बस 102 किलो नहीं बन जाते हो। मैंने भी डिप्रेशन झेला है तुम लोग की वजह से, ट्यूमर जो मेरे को भी हो गया था, निशान अभी भी है, ट्रीटमेंट करवाया बट है। और इसका तो अलग ही था यार, दूसरी वाली का तो मैं इसको बोला यार मैं तेरे से प्यार करता हूँ, वो बोली नहीं नहीं तू प्यार नहीं कर सकता, मैं तेरे को डिप्रेशन दूंगी। मैं कहा चल ठीक है, तेरा डिप्रेशन लिया अब मेरे को प्यार मिलेगा? बोले भूल गया पगले, अभी तो तेरे को स्ट्रेस भी तो देना है। मैंने इसे मेरे को फिर स्ट्रेस दिया, वो भी प्लेट भर के, कढ़ाई भर के, पूरा पतीला भर के मेरे को स्ट्रेस दिया। मैं कहा चलो ठीक है, अब मेरे को क्या मिलेगा? बोली मैं तेरे को ब्लोजॉब देगी। मजाक नहीं सच में, क्योंकि इन लड़कियों के पास अलग, मेरे को तो लगता है एक ही सॉल्यूशन है, बंदा हमारा प्रॉब्लम में है, स्ट्रेस में है, ब्लो जॉब। आई थिंक उसे स्ट्रेस तो खत्म हो ही जाएगा ना। अरे बिल्कुल भी नहीं, साथ भी चाहिए होता है कभी कभी, फिर भी कोई बात नहीं है। मैं तो ब्लो जॉब के साथ पूरा 1 साल बिताया उसके साथ, पर मेरे को बाद में मेरे को क्या पता था, बाद में उसका बॉयफ्रेंड है जिससे वो शादी करना चाहती है अपने कॉलेज वाले प्यार से, जो मेरे को बाद में बताया उसने, उसके बॉयफ्रेंड ने सामने से आके न्यू ईयर पे। मैं लिटरली ऐसा हो चुका था कि मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन हूँ कि सेकंड पर्सन हूँ, ये मैं तेरा पहला प्यार हूँ कि दूसरा प्यार हूँ, मेरे को बस वो बता दे, क्योंकि मेरे को यहाँ से जाने में बहुत आसानी होने वाली है उसके बाद। चलो वो तो हुआ, दूसरी वाली भी ऐसे खटारा निकली, ठीक है। तीसरी वाली का तो अलग ही था, वो होता ना कि लड़कियां जो बोलती हैं कि हमारा घर वाले यार मानेंगे नहीं, मना के तो देखो एक बार, वो मान जाएंगे, प्यार से समझाओ तो सही जरा, हम उसे प्यार करते हैं, हम उसको पहले से जानते हैं। पर इसका अलग था, इसका था कि घर वाले मानेंगे नहीं बट मैं तुमको मिलने आ रही हूँ, पर तुम ऊपर ऊपर से करना, ऊपर ऊपर से करना मतलब मैं पैंट नहीं उतारूंगी, तुम बस टी शर्ट उतार के कर लो, ठीक है किया, पर तू मेरे को ये तो बता वो चीज़ें कहाँ हैं जिनके ऊपर मैं पकड़ूं भी, सब तो पूरा फ्लैट है, उससे ज़्यादा बेस्ट तो मेरी मेरी चेस्ट है यार निकली हुई बाहर, तुम्हारी कहाँ है? तुम्हारे तो बिल्कुल हाथ ऐसे थे कि ऐसे ऐसे भी नहीं जा सकते, सीधा ऐसे गए हैं, कुछ तो लेके आती घर से। मेरे को ये डायलॉग मारने से पहले कि घर वाले मानेंगे नहीं, मेरे को तो लगता है कि मेरे घर वाले तो तेरे को देख के बोलते बेटा ऐसे का रिजेक्शन तू कर ही ले अपने मन के अंदर, मजाक नहीं सच में। पर ऐसा बोला नहीं, पर चेहरे पर दिख रहा था घर वालों का भी मेरा इसके डायलॉग के बाद, कि ऐसा बोला भी जाता है क्या ऊपर ऊपर से वाला, ये मजाक नहीं सच में, ये इतनी पतली थी।
फोटोज में तो कुछ और ही दिखती थी ये डेटिंग ऐप पे। मैं तो बोलता हूँ डेटिंग ऐप से ना आप लोग ना वन नाइट स्टैंड वाला ही रिलेशनशिप रखो, उससे ज़्यादा आगे लेके जाओ मत। ये सोचो ही मत कि बंदी यार क्या बातें करती है, ये पक्का मेरी बीवी बनकर रहेगी, बिल्कुल भी नहीं, मजाक नहीं। सच में डेटिंग ऐप को डेटिंग ऐप की तरह लो, क्योंकि मैंने खुद भाई इसके अंदर 6 महीने ऐसा, बल्कि 2 महीने उस समय, 2 महीने उसको, 2 महीने इसको, और सबका ना साल अलग अलग था। एक बात क्लियर कर दूं मैं, सबके साथ मेरा साल अलग अलग था। एक ने डिप्रेशन दिया 6 महीने ऐसा, ये काम ऐसा करती क्यों थी, वो भी मेरे को किसी फ्रेंड से पता चला, पता है किसी मॉल के अंदर जाके बैठे हुए थे, जब यार दोस्त बैठे होते ना क्लब में ऐसे बैठे होते दारू और पी रहे होते, तब जाके पता चलता है कि ये मेरा सच्चा भाई है, दोस्त भी नहीं है, भाई वाला प्यार नहीं करता। उसके बाद वो होता ना कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वो वर्ड तभी इन्वेंट हुआ था। और तभी मैंने अपने दोस्त को फोटो दिखाया कि भाई मेरे पास मेरी ऐसे बंदी है, पता है कोई भाई है यार, भाई को दिखाए ना तो क्या करें। मेरे भाई ने बोला ये तो 15,000 रुपये हम बुलाया था हमने लास्ट टाइम किसी को, और यही थी वो। मैं तभी सोचूं जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था सुबह 4 बजे तक, ये 4 बजे मेरे को ऑफिस में मिलने कैसे आई है, वो भी वन पीस पहन के। अब ये मैं सोच रहा ना कि मैं ऑफिस में 4 बजे क्या कर रहा था, मेरा ऑफिस का काम था वो, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ। एक्टर लोग जो हगते हैं ना सेट पे, उसको जो वॉश आउट करना होता है वो एक एडिटर का काम होता है, मैं वो एडिटर था। और एडिटिंग भी ऐसा कोई कॉर्पोरेट ऑफिस वाला वर्क वाला नहीं है कि मतलब कि ऐसा दो हाथ हमारे बॉस बॉस देखो मैं एकदम से कूल बन गया। हमारे यहाँ पे बॉस भी थे पर एक नंबर के चूतिए थे वो लोग, जो खुद को क्रिएटिव बोलते हैं, कई लोग तो खुद को डायरेक्टर भी बोलते हैं। वो सब का एडिटर था मैं। वहाँ मेरे ऑफिस में मेरे को 4 बजे मिलने आती है वन पीस पहन के, आई वाज लाइक कहाँ से, मम्मी से मिल के आ रही हूँ। 4 बजे मम्मी उठी हुई है तेरी, वो 3:30 बजे तेरे को बोलती कि जा अपने बॉयफ्रेंड से मिल के आ वन पीस में। मेरे को डाउट हुआ था, पर वो सारा डाउट मेरे उधर मॉल में जाके क्लियर हुआ अपने दोस्त के पास कि वो उस रात कहाँ थी। 15,000 रुपये घंटा, क्या बात, चलो जैसा भी था अच्छा था, पर दूसरी वाली ने तो हद पार कर दी थी। मेरे पैसे खर्चवा दिए यार सारे, मेरी मेहनत की कमाई के सारे लगवा दिए उसने, मेरे सारे डेबिट कार्ड पूरे नील हो गए, मैं कर्जे में आ गया, ऑपरेशन हुआ पैसा नहीं मेरे पास, बताओ। इन्होंने परवाह ही ना करी मेरी वैसे जाने के लिए। तो तीसरी वाली तो अलग ही थी, मेरे घर वाले मानेंगे नहीं तो ऊपर ऊपर से कर ले। कहाँ से सीख के आते हो यार तुम लोग ये सब, अगर तुम लोग को किसी के साथ रहना ही नहीं है तो उसके ऊपर आते ही क्यों हो, और बोलते हो कि यू आर सच अ नाइस गाय, बट आई डोंट थिंक सो इट वर्क्स। फक मेरा इंग्लिश, ये लाइन को बोलने के लिए पता नहीं मैंने शायद कितने रीटेक लेने वाला था, पर फिर भी एक लाइन में बोल दिया। मगर चलो कोई बात नहीं, जिंदगी नहीं तो मेरी परवाह कर रही नहीं, तो हमने भी परवाह किए बिना इनके बारे में बोल दिया। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि इसके बाद फिर मैं और कुछ लेके आने वाला हूँ आपके लिए, कुछ खतरनाक वाला, अगर पूरा देखोगे तो। ये आधा आधा स्किप स्किप करके मत देखना प्लीज़।